आज बनाएंगे कोल्हापुरी भड़ंग। इसके लिए ये मरमरा चाहिए, ये आधा किलो का पैकेट है मरमरा। गैस पे कढ़ाई रख दिया है, ये मरमरा को सेक लेंगे आधा आधा करके। कुरमुरा को लगातार चलाते हुए 5 मिनट मैंने सेक लिया है। ये देखिए कुरमुरा एकदम अच्छे से हो गया है। अब कुरमुरा को निकाल लेंगे एक बड़े से थाली में। ऐसे ही सारे कुरमुरा सेक लेना है। एक कटोरी तेल है कढ़ाई में डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, ये एक कटोरी सेंग दाना है, इसको तल देंगे। सेंग दाना हो गया है, इसको निकाल लेंगे। सेंग दाना को डाल देंगे कुरमुरा में। अभी मसाला तैयार करेंगे। एक चम्मच हल्दी, ये तीखा मिर्च है 2 चम्मच लेंगे, तीखा लाल मिर्च 2 चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हींग है 1/2 चम्मच, ये नमक है 1 चम्मच, 2 चम्मच, और ये हाफ जीरा पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। मसाला सब रेडी हो गया है, अभी तड़का मारेंगे। गैस ऑन करेंगे, तेल गरम हो गया है, ये कड़ी पत्ता है इसको डाल देंगे। कड़ी पत्ता हो गया है, गैस बंद कर देंगे। तेल हल्का ठंडा करेंगे थोड़ा सा। मसाला सब डाल देंगे तेल में और एक बार अच्छे से भूलेंगे। मसाला भून गया है, मसाला को डाल देंगे कुरमुरा के ऊपर, मरमरा के ऊपर। कुरमुरा को अच्छे से मिला लेंगे। कुरमुरा को सारे मसाले में अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए सब मसाले अच्छे से मिल गए कुरमुरा में। और कोल्हापुरी भड़ंग बनके तैयार है और इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ ट्राई दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।